हेलो गाइस, तो कैसे हो। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मेरी बैंगलोर डायरीज़ का एक छोटा सा ब्लॉग, जो कि बैनरघट्टा जू है, जो कि बहुत ही फेमस लोकेशन है बैंगलोर की। आप लोग भी जब भी जाएंगे तो आप प्रीफर ज़रूर करना, मतलब बहुत प्यारी सी लोकेशन है ये। आपको अप्रोक्स जो मेन सिटी सेंटर है उससे 15-20 किलोमीटर पड़ेगा, मतलब एक दो घंटे का रास्ता है। आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हो, लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ पर चलता है, बट वर्थ इट है देखना। अगर आपको नेशनल पार्क या फिर जू वगैरह देखना है तो आप देख सकते हो। ये बहुत डिफरेंट टाइप का है, यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स है, सब तरीके के आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप आराम से जाओ और एक्सप्लोर करो। यहाँ पे बटरफ्लाई पार्क भी है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। तो मैंने और सुमन ने भी डिसाइड किया था जब हम लोग बैंगलोर में थे कि चलो ठीक है बैनरघट्टा जू देख के आते हैं। और हमारी सुमन तो खैर जूलॉजी से थे तो इसको बहुत पसंद है ये सब, है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है जाते हैं। हम दोनों ने वहाँ पर एक्सप्लोर किया। अप्रोक्स पूरा दिन आपको वहाँ पे लग जाएगा, है ना। टिकट भी अप्रोक्स आपका 20-30 के अप्रोक्स आपका रहता है, तो वो आप वहाँ से ले सकते हो। जू का अलग है और बाकी और भी इसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें, उसका अलग चार्ज लगता है। तो आप जब भी बेंगलोर रहेंगे तो आप प्रीफर करना कि मॉर्निंग टाइप में ही आप वहाँ पे जाना, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे आपको पूरा दिन लगना ही लगना है, आप जैसे भी आप जाओगे ना। तो हम लोगों ने भी वही मॉर्निंग में ही, हम लोग 8-9 बजे निकले थे और इवनिंग में हम 7-8 बजे तक आए थे। ये बहुत ही प्यारी सी लोकेशन थी यहाँ पे, जो कि यहाँ पे बटरफ्लाई पार्क करके बना हुआ था, जहाँ पे अंदर बहुत ही प्यारी प्यारी बटरफ्लाई थी और बहुत ही मज़ा हम लोगों को यहाँ पर आया था। सुमन ने भी यहाँ पर बटरफ्लाई को बिठाया, बोलती है कि चलो ठीक है मेरी एक प्यारी सी वीडियो बना लो। और इतना मतलब इतना अलग ही एक अलग एक्सपीरियंस था हम लोगों का। तो हम लोग वहाँ पे जो मेन जू था वो देखा हम लोगों ने, बटरफ्लाई पार्क देखा, और भी वहाँ पे 3-4 चीज़ें थी। और वहाँ के नज़ारे तो यार वैसे भी बहुत ही प्यारे थे। तो ज़्यादा कुछ तो मैं उस टाइम पर कैप्चर नहीं कर पाई, जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि मैं उस टाइम पर ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो वीडियोस भी मैंने ज़्यादा बनाए नहीं थे। तो बस एक नॉर्मल सी डिटेल्स थी जो मैंने आपको दे दी कि अगर आप बैंगलोर जाओ तो बैनरघट्टा जू आप जा सकते हो। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग जो कि मैंने बैनरघट्टा पे बनाया था। एक नॉर्मल बेसिक सी डिटेल है जो आप चेक कर लो एक बार। बाकी मेरे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना।